इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के बागी नेता नीलमणि सिंह बब्बू राजा, जिन्होंने अब हाथी का साथ थाम लिया है। बब्बू जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आप कांग्रेस के एक कद्दावर नेता कहे जा रहे थे, अब आपने बगावत करते हुए हाथी का दामन थाम लिया, किस तरीके से चुनावी मैदान में? हाथी का दामन मैंने जब साधा, जब मुझे मेरे लोगों ने ही धोखा दे दिया, मुझे मजबूरी में हाथी का दामन साधना पड़ा और 2008 में मैंने हाथी का दामन साधा था। मुझे भाई बहनों ने, हमारे मुस्लिम समाज ने और हिंदू समाज ने, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया था और चुनाव जिताया भी था। 2008 में मैं 5-7 हज़ार वोटों से आगे था जब मेरी काउंटिंग बंद थी और 4 बजे शुरू की, रात के 8 बजे तक हरा दिया। कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी उस समय पे और इस समय भी कांग्रेस तो ठीक है, व्यक्ति कांग्रेस का व्यक्ति तीसरे नंबर पे ही रहेगा। अभी जो देख रहे हैं आप जन सैलाब वगैरह, इससे अंदाज लग रहा है कि मेरी लड़ाई, मेरे से लड़ाई जिसकी भी हो, मेरे से ही लड़ाई होगी, हाथी से ही लड़ाई होगी। बहुत बढ़िया। मेरे आने के बाद हाथी की चाल नहीं, हाथी के जो अब मेरे बहन भाई मित्र यार, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, सभी लोग, जहां मैं रात दिन इन लोगों की सेवा में लगा रहता था और कभी भी कोई कार्यक्रम हुआ मुस्लिम समाज में, तो यहां मुस्लिम समाज भी जानती होगी, मैं हर कार्यक्रम में जाता रहा, चाहे वो आपा हजूर की वहाँ पे कंपालियाँ हों, चाहे मस्तान साहब बाबा के इधर कंपालियाँ हों। आज से नहीं, जिस सारे नेता जब मुन्ना राजा जाया करते थे, मुन्ना राजा के बाद मैंने जाना शुरू किया, उसके बाद मैं आज तक जाता हूँ, हर त्यौहार में शामिल होता हूँ। आपने देखा है मेलन दरवाजे गणेश कॉलोनी में प्रताप नवयुवक संघ है, मैं उसका संरक्षक आज भी हूँ और हुआ कर चला रहा हूँ। कार्यकर्ता रामलीला में मैं भाग लेता रहा शुरू से, इन लोगों के हर कारण है, जन समूह दिख रहा है इनके, कभी मैंने कोई भी शादी ब्याह नहीं छोड़े। समर्थन में मायावती कब करेगी चुनावी सभा? बब्बू राजा के समर्थन में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश सभी के समर्थन में मायावती जी 7 तारीख को जनसभा अपने यहाँ स्टेडियम में, बाबूराम स्टेडियम में करेंगे। चुनाव का जिस तरीके से नामांकन भरा जा रहा है, नीलमणि सिंह का नामांकन भरने का सही मुहूर्त कौन सा है? तारीख चूंकि अब कल लास्ट तारीख है, कल ही लास्ट मुहूर्त समझ लें आप, लास्ट मुहूर्त में ही फार्म भरेंगे और बहुत तेजी से फार्म भरा जाएगा। ये सारी जनता पूरे शहर की देखेगी और पूरा शहर हमारे साथ आएगा, मेरे भाई बहन मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, सारे समाज इकट्ठे होंगे। आप कांग्रेस से लगातार रहे हैं, और आपने कांग्रेस के लिए काम भी किया है, आप हाथी पर सवार हैं, तो ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में कहां कहां आपका अभी तक निरीक्षण हो चुका है, ताकि लोग आप ये जाने हाथी के साथ? जिस दिन मैंने भोपाल में DSP की शपथ ली थी, तो पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया था कि बब्बू राजा DSP से चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं पूरे क्षेत्र में तो नहीं जा पाया अभी, मगर हर क्षेत्र में खबर है कि बब्बू राजा DSP से चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोगों ने तैयारियां भी कर ली हैं। जहां तक कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँच सकूँ, यदि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मेरा शहर में हर वार्डों में हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी उपस्थिति ही माने और पूरे देहात क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, कोशिश करूंगा कि मैं घर घर दरवाजे पर पहुंचूं। अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं, तो सभी लोग ये मान लें कि बब्बू राजा की उपस्थिति लग गई है। मैं सभी लोगों से विनय करता हूँ, विनती करता हूँ और बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग मेरा सहयोग करें, सपोर्ट करें, और विधायक मैं नहीं, पूरी जनता विधायक बनेगी,
इसी के साथ मैं आप सभी स्पष्ट कर दिया कि माया बहन 7 तारीख को चुनावी सभा करने के लिए छतरपुर के बाबू राम चतुर्वेदी स्टेडियम आ रही हैं, जहां पर हाथी की बात होगी और बप्पू राजा के लिए वोट मांगे जाएंगे। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान।